ये सभी का अधिकार है और वोटर का काम है निष्पक्ष कर्तव्य निष्ठा जब भी वोट डाले उम्मीदवार का चयन करे उसके लिए वोट देवे जिससे शहर का विकास हो सके। बघेल समाज सलीम जी का स्वागत करता है, ये हमारे वार्ड में आए हैं और इसके बाद सलीम जी अपने वार्ड रखे जाते लिए आए समाज एडवोकेट हो अपने एडवोकेट का चेहरा मान ये हमारा पहला वार्ड नंबर 4 में रहता 20 साल से और हम पार्षद पद के लिए वार्ड नंबर 4 से लड़ रहे। हमारी तो एक रिक्वेस्ट है क्योंकि इसको भी वोट कहीं ना कहीं हमारे वजह से भी मिल रही होगी कुछ। हम तो आपको इतना कह सकते हैं कि एक पार्षद का जो काम है एक पार्षद की जो ड्यूटी है उस पर इंशाल्लाह खराब खड़ा मिलेगा आपको। इस तरह का उदाहरण नहीं मिलेगा कि पार्षद एक निकम्मा बना दिया, क्योंकि अगर ये नहीं मिलेगा तो हम मिलेंगे। एक पार्षद की जो भी ड्यूटी होगी उस पर हम इंशाल्लाह खड़े उतरेंगे। बस इसी आखिर में इसी रिक्वेस्ट के साथ कि भाई एक एक वोट जितने भी बघेल समाज के यहाँ पे हैं जितने भी आसपास के यहाँ पे और भी जो बघेल समाज से अलग भी यहाँ बाजार की काफ़ी वोट उधर ट्रांसफर हो गई है सभी से रिक्वेस्ट है कि आने वाली 19 तारीख को पतंग के निशान पर और ज़्यादा से सलीम जी ने बहुत अच्छी बात की भाई, मैं अपने कर्तव्य निष्ठा खड़ा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा, यानी कोई भी आपको शिकायत का मौका नहीं होगा। मतलब ये आप भाई सलीम जी वार्ड नंबर 4 में जितनी वोटे हैं ना उनकी एक लिस्ट बना लेना हमारी, ठीक है जी, वो हमें दे देना मंडे और हम आपके सहयोग करेंगे। बघेल समाज ने आपको समर्थन दिया है, आप वार्ड नंबर 4 से कैंडिडेट हैं, क्या कहना चाहेंगे? बघेल समाज ने समर्थन दिया मुझे बहुत अच्छा लगा है, मुझे जो प्यार मिला है बघेल समाज से मुझे इसमें मैं खड़ा उतरने के लिए पाबंद रहूँगा और जो भी मुझे वार्ड नंबर 4 का काम करेगा मैं उसके लिए हाजिर रहूँगा किसी भी टाइम। आप अपना मुकाबला किससे मानते हैं? इनकी जो रणनीतियाँ हैं जो आपने बनाई हैं, आप पार्षद बनने के बाद क्या क्या रणनीति तैयार लेकिन समाज के हित में जनता के हित में जो कार्य है मैं उनके खड़ा उतरूंगा और खड़ा करके दिखाऊंगा, यही मेरी अपनी नीति है। सलीम जी वार्ड नंबर 4 में आए हैं, सबसे पहले तो बघेल समाज का स्वागत करता है, धन्यवाद करता है और वोट मांगने को सभी का अधिकार है, ये अपने अधिकार से आए हैं और वोटर के पास आए हैं। वोटर बघेल समाज का इनके पक्ष में निर्णय करेगा और इनको अपना समर्थन देगा और इनको विजय बनाएगा।